बहुत सी चीजें हम मार्केट में देखते तो हैं, पर हमें पता नहीं होता कि उसे यूज कैसे करना है। जैसे कि ये काली गाजर, और ये आजकल सीजन में है, इसीलिए मैंने सोचा इसके साथ आज कुछ नया ट्राई किया जाए। तो मैं बना रही हूँ गाजर वाला दूध। लाल गाजर वाला दूध तो आप सबने बहुत पसंद किया था, इसीलिए मुझे लगा कि इसके साथ भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसको खाने के भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। ये टेस्टी तो बनता ही है, साथ ही साथ बहुत हेल्दी है। और रात को सर्दियों में कभी आपका रात को कुछ खाने का मन करे, कभी कुछ क्रेविंग्स हो रही हो, कुछ मीठा खाने का मन करे, तो ये जो दूध का ऑप्शन है ये बहुत टेस्टी है। ये फटाफट बन जाता है और विंटर्स के लिए एक आइडियल मील है। अगर आप अपना लंच या डिनर स्किप भी करना चाहते हैं तो उसे इस गाजर वाले दूध के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फुलफिलिंग होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये जो ब्लैक कैरेट्स होती हैं ना, ये एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ही रिच होती हैं। इनमें रेड कैरेट से कई ज़्यादा बीटा कैरेटीन होता है। इनमें डाइट्री फाइबर भी बहुत अच्छा होता है, इसीलिए डाइजेशन के लिए भी अच्छी हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो जिन लोगों को आर्थराइटिस है वो भी इसे ज़रूर लें। ये डायबिटीज़ वालों के लिए अच्छी है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, और आँखों के लिए भी ये गाजरें बहुत अच्छी होती हैं। इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसमें कैलोरीज़ बहुत ही कम होती हैं और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा। इसीलिए अपने वेट लॉस डाइट प्लान्स में भी हम ये गाजरें हमेशा देते हैं, और इनकी बहुत सी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देते हैं। जैसे कि आप इसे सैलड में ले सकते हैं, इसका जूस ले सकते हैं, स्मूदीज में डाल के ले सकते हैं, इसका अचार बहुत अच्छा बनता है, आप इसे सूप्स में ले सकते हैं, और कांजी भी बहुत अच्छी बनती है। कांजी की रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। तो जब सीजन में है चीज़ तो उसका यूज़ किसी न किसी फॉर्म में हमें ज़रूर करना चाहिए। तो अब मैंने इन्हें रफली चॉप कर लिया है, और अब इसे प्रेशर कुक करना है। पानी इसमें उतना ही डालना है कि अच्छे से डिप हो जाए। आप देख सकते हैं इसका कितना ब्यूटीफुल कलर आ रहा है। अब हमें इसमें और कुछ भी नहीं डालना, बस इसे प्रेशर कुक करना है। तो जब तक ये गाजरें बॉईल हो रही हैं, हम जल्दी से ड्राई फ्रूट्स चॉप कर लेते हैं। तो मैंने ये सारी चीजें सोक करके रखी हुई थी, आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं। ये बादाम है, अखरोट है, छुआरा है, डेट्स हैं और फिग्स हैं। जब हम इतनी अंजीर ले रहे हैं, साथ में खजूर ले रहे हैं, तो अलग से आपको कुछ भी मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये छुआरे भी हैं, ये भी मिठास ऐड करते हैं। तो मैं तो इसमें कोई भी शुगर या कोई भी देसी खांड कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो आप इसको ऐसे ज़रूर ट्राई करें, और ये इनफ मीठा होता है और बहुत अच्छा बनता है। हाँ, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है तब आप इसमें देसी खांड डाल सकते हैं। अब इसे खोल के चेक कर लेते हैं। इसका ऐसे ही डीप पर्पल कलर बनता है। तो ये अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा ठंडा करके इसे हमें ग्राइंड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना कलर छोड़ रहा है, जैसे बीटरूट कलर छोड़ती है, ऐसे ही गाजरें भी बहुत कलर छोड़ती हैं। तो जिन चीज़ों में, जिन रेसिपीज़ में आप एक नेचुरल कलर देना चाहते हैं, उसमें भी आप आर्टिफिशियल कलर्स की जगह आप ये गाजरें यूज़ कर सकते हैं। इनमें आयरन कॉन्टेंट बहुत अच्छा होता है। जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो लाल गाजरों से 4 times ज़्यादा होते हैं, 4 times ज़्यादा होते हैं। विटामिन सी का ये बहुत अच्छा सोर्स है, और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है या कोई भी स्टमक डिसऑर्डर्स रहते हैं, उनके लिए भी ये गाजरें बहुत अच्छी हैं। तो किसी ना किसी फॉर्म में इन्हें ज़रूर लेना चाहिए। उसी तरह ये स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो इसका जूस लेना शुरू करें, या फिर किसी भी फॉर्म में इन काली गाजरों को ज़रूर लें। ये देखो कितना ब्यूटीफुल ब्राइट पर्पल कलर आया। तो हमारी गाजरें रेडी हैं, मतलब आधा काम हो चुका है, और अब बस आधा काम रह गया है। तो ये प्योरे हमारी रेडी है। इसे आप बना के हमेशा फ्रिज में रेडी रखें, और जब भी भूख लगे तो बस दूध में इसको ऐड करना है, स्वीटनर डालना है, और दूध रेडी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 liter दूध। अब इसमें डालेंगे ये कैरेट प्योरे। देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया कलर आ रहा है। जब दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। खजूर और अंजीर को आप पहले डालें, ताकि इसकी मिठास अच्छे से इसमें जो है मिल जाए। ये जितना बॉयल होगा उतना अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, और इसमें मिठास भी आएगी।
अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आता है, इसे भी मिस ना करें। तो बस अब हमें इसे एक बॉयल देना है और ये रेडी है। सर्दियों में लेने के लिए एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिश है गाइस, तो जब तक ये गाजरें सीजन में हैं इसे ट्राई ज़रूर करें। तो अब इसमें बॉयल आ चुका है और ये पीने के लिए है एकदम रेडी। अब इसे जल्दी से सर्व कर लेते हैं। तो ये टेस्टी दूध है पीने के लिए एकदम तैयार। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट।